हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स देखिए, मैं आप लोग के लिए ये 0 साइज़ के लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस लेके आई हूँ, जो कि ये समर ड्रेस है फ्रेंड्स, यानी गर्मियों के लिए आप कितना प्यारा ड्रेस घर बैठे बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 0 साइज़ के लिए है, क्योंकि हमने और सारे साइज़ के लड्डू गोपाल के ड्रेस बता दिए हैं। तो 0 साइज़ का ड्रेस बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि हम जान नहीं पाते, तो फ्रेंड्स आपको एकदम इजी वे में मैं बताऊंगी कि आप कैसे ड्रेस बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने सिमर का कपड़ा लिया हुआ है, जो कि रेड कलर का है, बहुत ही प्यारा है। ये टोमेटो रेड कलर में है देखिए, और इसमें थोड़ी चमक भी है, तो इसलिए बहुत प्यारा और काफ़ी सॉफ्ट है फ्रेंड्स। आप लोग जब भी लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बनाए तो सॉफ्ट क्लोथ का ही बनाए, क्योंकि हम लोग जैसा क्लोथ पहनते हैं फ्रेंड्स सोचते हैं एकदम सॉफ्ट हो, तो ऐसे भगवान के लिए भी आप लोगों ने सॉफ्ट कपड़े का बनाना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 6 इंच, देखिए ये ज़्यादा बड़ा नहीं लिया था मैंने इसको कपड़ा, ये मैंने सिर्फ 6 इंच लंबा कपड़ा लिया है, और 1.5 इंच की चौड़ाई है देखिए फ्रेंड्स इसकी। आपने ऐसे देखिए 1.5 इंच की इसकी चौड़ाई है। तो फ्रेंड्स इसको देखिए, मैंने ऐसे करके लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, मतलब 3 इंच का था हमारा ये कपड़ा, जैसे चौड़ाई इसकी देखिए फ्रेंड्स, इसकी भी 3 इंच की चौड़ाई है, आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड, 3 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई 6 इंच है। तो फ्रेंड्स हमने इसको क्या करना है, ये फ्रिल वाला ड्रेस है फ्रेंड, देखिए पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लगेंगे हमारे लड्डू। तो हमने इसको डबल कर लिया, देखिए आपने यूँ कर लेना है, यूँ करने के बाद देखिए ये हमारा डबल हो गया। फिर हमने ये देखिए पतली पतली ऐसे प्लेट बनाते हुए, ऐसे ही हमने सारी देखिए प्लेट पतली पतली मैंने इसमें बनाई, बहुत ही पतली प्लेट बनी है ये देखिए। मैंने इसको स्टिच किया है सिलाई मशीन से, आप चाहे तो फ्रेंड्स हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं, वो मैंने आप लोग को बता ही दिया है कि आपने हाथ से कैसे स्टिचिंग करनी है। तो फ्रेंड्स जब ये आपने एकदम पतली पतली ऐसे प्लेट लेके, फिर आपने आप चाहे तो सुई, अगर सिलाई मशीन नहीं तो आप सुई से भी आराम से इसको घर बैठे बना सकते हैं। तो आपने इसको ऐसे यूँ करके देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बार और बता रही हूँ आप लोग को, ऐसे करके आपने ऐसे पूरी प्लेट लगा लेनी है। जब हमारी प्लेट लग जाएगी फ्रेंड्स, तो ये ऑटोमेटिक पूरी घेरे बन जाएंगे। तो उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये लेस लिया हुआ है, जो कि बहुत ही प्यारा लेस है, ये देखिए गोल्ड कलर की लेस है ये मेरी, और यहाँ पे नीचे स्टोन लगी हुई है। तो इसकी लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, हम किसी भी चीज़ को बनाने से पहले उसको मेजरमेंट कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। तो इसकी लंबाई हमारी है 4.5, देखिए फ्रेंड्स 4.5। अब हमने क्या करना है, और एक देखिए मैंने ये ग्रीन कलर का नेट का कपड़ा लिया हुआ है, जो कि मैं इसको यहाँ पे यूँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको क्या करना है, एक आपने ऐसे किया, फिर दोबारा आपने ऐसे किया, 3 राउंड मैंने इसको करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको ऐसे करके फिर जो हमारे एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको हमने कट कर देना है। तो इसकी हमने फ्रेंड्स देखिए कटिंग कर देनी है, ये रहा कैची, एक्स्ट्रा कपड़े को हमने ये देखिए हमने ये कट कर दिया। कट करने के बाद फ्रेंड आपने इसको देखिए, ये हमारा कुछ ऐसे बन के आएगा, तो ये बहुत ही प्यारा इसका कलर कॉम्बिनेशन होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे हम इसको अटैच कर देते हैं, देखिए फ्रेंड्स इसमें मैंने कुछ भी, ये हमारी सारी घर की चीज़ इसमें यूज हो रही है फ्रेंड्स। देखिए ये आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन लेके फिर आप इसको लगा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे टोमेटो रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन काफ़ी बेटर लग रहा है, तो मैंने इसको सोचा यहीं पे हम इसको अटैच कर देंगे, तो बहुत ही प्यारा ये बनकर आएगा हमारा लड्डू गोपाल जी के ड्रेस। तो आप लोग नए नए डिज़ाइन का ड्रेस बनाते रहिए फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे से जुड़े रहिए, और हम आप लोग को समर एंड विंटर दोनों के ड्रेस लड्डू गोपाल जी के लिए बना के दिखाऊंगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, ये लेस लेनी है, इस लेस को हम देखिए, ये लेस देखिए फ्रेंड्स ऐसे लेके यहाँ से
यूँ देखिए, ये हमने सारी लेस को ऐसे लगा के, ऐसे लगाना है फ्रेंड्स, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जब पहने तो ऐसे रहे और ये हम उनके बैक साइड ऐसे रहे, तो बहुत ही प्यारा लगेगा फ्रेंड्स। तो इसको चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं टक करना। टक करने के लिए देखिए हमने ये सुई में, देखिए सुई लिया ही हुआ है मैंने, ये आप घर बैठे फ्रेंड्स एक दिन में चाहे जितने ड्रेस आपने ऐसे ही बना सकते हैं। आपके पास नए कपड़े हों फ्रेंड्स, या तो आप मार्केट से ख़रीद कर फिर लड्डू गोपाल जी के लिए नए कपड़े का ज़रूर बनाएं। कभी भी आप भगवान के लिए पुराने कपड़े ना यूज करें। हाँ, बचे हुए हैं कपड़े तो उनका यूज कर लें, बट वो भी नया होना चाहिए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रिल ड्रेस है, फ्रिल वाली, और बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड, क्योंकि हमारे भगवान को भी तो शौक़ होता है अच्छे अच्छे ड्रेस पहनने के। क्योंकि जैसे हम लोग को ये लगता है फ्रेंड्स, अब गर्मियाँ आ गई तो हम लोग भी अच्छे अच्छे ड्रेस लें, एकदम सॉफ्ट हो, तो आप लोग भी ज़रूर ऐसे करें। अब इतना हम देखिए यहाँ पे स्टिच नहीं करेंगे, इतना छोड़ देंगे फ्रेंड्स, उसको हम आगे स्टिच करेंगे। इसको हमने अच्छे से टक करके देखिए इसकी यहीं पे कटिंग कर देंगे। फिर यहाँ पे हमने एक नॉट लगा देनी है। देखिए फ्रेंड्स, कितने जल्दी हमारा ये ड्रेस बनकर तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही ड्रेस क्यों ना बनाइए जिसमें ज़्यादा टाइम भी ना लगे और ज़्यादा मटेरियल भी ना लगे और आपका ड्रेस भी अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। देखिए हम इसकी यहीं पे कटिंग कर लेते हैं धागे की, सुई को साइड में रख देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा हमारा ये ड्रेस बनकर आया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए लड्डू गोपाल को अपने पहनाना कैसे है, और सब तो आपने जान लिया कि कैसे बनेगा, लेकिन बियर उन्हें मतलब पहनाना कैसे है। ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा इतना सिला नहीं है, इधर की साइड भी इतना नहीं सिला है, तो आप लोग इतना ध्यान रखें कि एक एक इंच आपने नहीं सिलना है। अब देखिए हमने यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हमने एक टक लगा देना है सुई से फ्रेंड्स। देखिए ये जीरो साइज़ के लिए, तो जितना छोटा ये रहेगा उतना ही बेटर होगा, क्योंकि जीरो साइज़ के लड्डू गोपाल आप लोग को पता ही होगा उनकी साइज़ तो जीरो साइज़ की होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा ये ड्रेस हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है, और बिल्कुल भी इजी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, तो आपके ऊपर डिपेंड है फ्रेंड्स, आप इसको और डेकोरेट कर सकते हैं तो किस चीज़ के लिए, लेकिन ये मेरा डेली यूज का ड्रेस है तो मैं ज़्यादा डेकोरेट नहीं करूँगी। देखिए मेरे पास इतने सारे मोती हैं, तो यहाँ पे कौन सी मोती है, तो यहाँ पे ग्रीन एंड वाइट बहुत ही प्यारी लगेगी मोती फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे ग्रीन एंड वाइट मोती यूज करेंगे। देखिए आप चाहें तो लगाएं, नहीं तो रहने दे फ्रेंड्स। मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आप कपड़े को डेकोरेट करने के लिए, देखिए फ्रेंड्स हमें ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने अपनी आपके हाथों में ये सब होना चाहिए कि आपके दिमाग में कि हम कैसे कपड़े को अच्छे से सजा सकते हैं। कोई भी कपड़ा देखिए फ्रेंड, कितना सिंपल कपड़ा था, लेकिन देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। ये ड्रेस कितना सिंपल था फ्रेंड्स, बट ये बनकर देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और बिल्कुल भी इसमें ज़रा सा भी टाइम नहीं लगा है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हम मोती लगा लेंगे और ऐसे हमने इसको पहनाना है। ये जीरो साइज़ के लड्डू गोपाल के लिए है देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरी ड्रेस आप लोग को अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।